नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारियों को काफ़ी लंबे समय बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता यानी 42% मिलने लगा है। हालांकि एमपी वालों की यह खुशी थोड़े दिन ही रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक बार फिर 42 से बढ़ाकर 46% करने वाली है। यह महंगाई भत्ता रक्षाबंधन से लेकर दीपावली के बीच कभी भी बढ़ाया जा सकता है। रक्षाबंधन से दीपावली के बीच कभी भी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता महंगाई राहत बढ़ा सकती है, क्योंकि साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। डीए में बढ़ोतरी श्रम विभाग की ओर से जारी AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है, जो हर माह जारी किए जाते हैं। फिलहाल मई माह के जो आंकड़े आए हैं उनमें 0.50 अंक की वृद्धि हुई है। इसके बाद कुल अंक 134.7 और स्कोर 45.58% पर पहुंच गया है। ऐसे में जुलाई में 4% डीए का बढ़ना तय माना जा रहा है। हालांकि अभी जून के आंकड़े आने के बाद पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार जब महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो उससे देश भर के 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होता है, जबकि 1 लाख कर्मचारी मध्य प्रदेश में नौकरी करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार जब केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो इसका फायदा मध्य प्रदेश के 8.5 लाख कर्मचारियों पर पड़ता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में इसी साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। केंद्र सरकार फिलहाल अपने कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता दे रही है, जो जनवरी 2023 से दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव से पहले देश के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 4% और महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार महंगाई भत्ता 46% हो सकता है। इस साल की यह दूसरी बढ़ोतरी हो जाएगी। नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएंगी। हालांकि इस मुद्दे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा HRA, TA सहित अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। एक उदाहरण के अनुसार आपको बता दें कि यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 18,000 रुपये है तो इस पर 42% यानी 7,560 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। यदि महंगाई भत्ता बढ़कर 46% हो जाएगा तो 8,280 रुपये माह की वृद्धि होगी। इस लिहाज से हर माह जो सैलरी मिल रही है उसमें 720 रुपये बढ़कर मिलेंगे। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 56,900 रुपये है तो उस पर 4% अधिक डीए के हिसाब से हर माह 2,276 रुपये ज़्यादा मिलने लगेंगे। सालाना उन्हें 27,312 रुपये का लाभ मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी का टेक होम वेतन करीब 42,000 रुपये है और बेसिक वेतन करीब 25,500 रुपये है तो उसे महंगाई भत्ते के रूप में 9,690 रुपये मिलेंगे। अब 4% महंगाई भत्ता बढ़ने की स्थिति में 40,740 रुपये वेतन हो जाएगा। इस प्रकार हर माह 4,020 रुपये टेक होम वेतन बढ़ जाएगा। यदि किसी कर्मचारी को 30,000 रुपये हर माह बेसिक पेंशन मिल रही है तो उसे 44,400 रुपये राहत के तौर पर मिलते हैं। इस प्रकार 4% महंगाई राहत में वृद्धि के बाद यह पैसा बढ़कर 42,600 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार इन सभी पेंशनर्स को हर माह 800 रुपये ज़्यादा पेंशन मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर की प्रवेश सूचना। MAMC मास्टर ऑफ आर्ट्स मास कम्युनिकेशन, MSc EM मास्टर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, MAJ मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म, BAMC बैचलर ऑफ आर्ट्स मास कम्युनिकेशन ऑनर्स, PGDRJ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल जर्नलिज्म, PGDCE पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।